हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 वर्कआउट। सो ओपन योर बुक, चैप्टर 7 वर्कआउट। चैप्टर 7 में आप सब बच्चों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा है और मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए सभी बच्चों को टेबल लर्न करना है ना। तो सब बच्चों ने टेबल भी लर्न कर लिए होंगे और अब बच्चों आप लोगों को लेना है आज कलर। ठीक है, कोई भी आप एक कलर लीजिए। वैसे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ करना है आपको। क्या करना है, मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स, कलर द पोर्शन विच हैव 0 और 5 इन वन प्लेस विद द ग्रीन। यानी यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करने हैं, बट ये ध्यान देना है वंस प्लेस जानते हैं सब लोग, वंस 10 100। तो जिन भी प्रोडक्ट में वंस प्लेस के स्थान पे 0 या 5 आता है उसे आप ग्रीन कलर से कलर कर देंगे। ओके, जैसे 6 का मल्टीप्लाई 13 में किया है तो आंसर कितना है, 78। 78 में 8 क्या है, वंस प्लेस में है, बट यहाँ पे 0 होना चाहिए था, तो 0 नहीं तो हम इसको कलर नहीं करेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई किया 72 का मल्टीप्लाई 5 में, या 72 को हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो जो प्रोडक्ट आया वो 360 यानी 360। अब बच्चों देख रहे हैं, यहाँ पर 0 वंस प्लेस में आया ना, तो इसे आप ग्रीन कलर से कलर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस में 0 है। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखना है मुझे कि वंस प्लेस में 5 होगा तो हम ग्रीन से करेंगे और 0 होगा तो ग्रीन से कलर करेंगे। अब इसी प्रकार से 105 को मल्टीप्लाई कर रहा है हमने 8 से, तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 840। वंस प्लेस कॉलम में देखिए आप 0 है, इट मीन्स इसको भी आप ग्रीन कलर से कलर कर दीजिए। 125 को मल्टीप्लाई किए 7 से, प्रोडक्ट है 875। अब बच्चों यहाँ देखिए आप, वंस प्लेस में 5 आ गया ना, जैसे अभी वंस प्लेस में 0 था, अब यहाँ पर वंस प्लेस में क्या देख रहे हैं आप लोग, 5। तो आप 5 और 0 जहाँ पर वंस प्लेस में आएगा उन्हें आप ग्रीन कलर से कलर कर दीजिए। बस उतने ही कॉलम को कलर करना है जितने में वो आंसर आता है। ठीक है, वो ग्रिड बनी हुई है, फिर आप देखिए क्या बन के तैयार होता है। ठीक है, तो अब आप लोग सभी बच्चे पहले टेप मल्टीप्लिकेशन कर लें और इसके बाद आप सभी बच्चे ग्रीन कलर ले लीजिए और ग्रीन कलर से आपको कलर करना है। जैसे 840 आया ना, 105 को मल्टीप्लाई किया 8 से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आया 840। अब आपको ये याद रखना है कि 840 को आपको कलर करना है ग्रीन से, और उसे आप कहाँ तक कलर करेंगे बच्चों, सिर्फ आपको वो दिख रहा है उतना पोर्शन, आपको बाहर लाइन के बाहर नहीं जाना, लाइन के अंदर ही कलर करना है। जैसे 125 को मल्टीप्लाई किया आपने 7 से, तो वंस प्लस 5 आया ना, तो अब इसको भी आप जो है जितना भी पोर्शन के अंदर ये है बस उतना ही आपको कलर करना, बाहर कलर नहीं करना है। ओके, तो अब जल्द से जल्द ये वर्क कंप्लीट करिए और सेंड करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स टू मैच बोथ साइड। आपको यहाँ पर ऐसा नंबर फिल करना है जो कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 जा 12। अब इसी प्रकार से 6 में 6 का टेबल पढ़िए आप, कितनी टाइम्स पढ़ेंगे कि 12 आ जाए बच्चों, यस 6 2 जा 12, तो यहाँ पे फिल कर दीजिए 2। ओके, दोनों साइड इक्वल आ गए ना। इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर बी में 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। ओके, मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। अब इसके बाद आप 4 का मल्टीप्लाई करिए, 16 आना चाहिए, तो बोलिए बच्चों 4 4 जा 16, 4 इंटू 4।
इसी प्रकार से 8 3 24, बट 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 24 आना चाहिए। 6 का टेबल लर्न कीजिए और जितने टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो कितने आपको यहाँ पे लिखना है। 10 4 जा 40, 10 4 जा 40। अब आपको 5 का टेबल पढ़ना है, 5 8 जा 5 8 जा, यस। तो अब आप लोग समझिए और समझ करके ये वर्क हमें सेंड कीजिए, और उम्मीद है आज आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज फिल करने में बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग कलर ले लीजिए और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, डेट भी मेंशन कीजिए, इसके बाद सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।